नगर निगम परिसर में बने लाइट एवं साउंड फाउंडेशन का शुक्रवार को नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम परिसर में बने लाइट एवं साउंड फाउंटेन एक महीने से शुरू हो चुका है। इसके परिचालन के लिए विचार किया जा रहा है। शहर के लिए यह अच्छी जगह होगी जहाँ लोग आएंगे। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, तालाब है तो हमने इसीलिए इसको पक्का नहीं किया और तालाब के नाम से दर्ज है। अभी ये सब पहले से ही बना हुआ था, पूरा घास पास घास लगवा दें, वो लगवा नहीं चाहिए। नहीं, ये शुरू तो हो चुका है, एक महीने से शुरू हो चुका है। अब इसके लिए हम लोगों ने पहले ही विज्ञप्ति निकाली है। अब इसको इसके प्रचालन कैसे हो इसके बारे में विचार किया जा रहा है और शहर के लिए ये एक अच्छी जगह होगी जहां पर लोग आएंगे, अच्छा रिक्रिएशन होगा उनका। सर टाइमिंग क्या रहेगी? जाहिर सी है कि शाम के बाद ही, ये देखना है तो शाम के बाद ही रहेगी।